लव कुश अब जनता दल यूनाइटेड से निकलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया है। नीतीश कुमार जी का जो हथेली के अंदर एक दांत है, अब तो डॉक्टर भी हम लोगों के पास आ गए हैं, फिर से हमको मिलेगा और 40 की 40 सीट हम फिर जीत कर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना है उस सपने को भी पूरा भारतीय जनता पार्टी करेगी। विजय सिन्हा जी ने एक तो बड़ा स्पष्ट है कि कल तक नीतीश कुमार जी जिस नाम पर अपनी राजनीति कर रहे थे वो 1994 में लवकुश के नाम पर समता पार्टी का गठन हुआ। आज हम आपको भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से लवकुश अब जनता दल यूनाइटेड से निकलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया है। और नीतीश कुमार जी अब तो सिर्फ आपके पास कोई आपका वफादार आदमी नहीं रह गया, अब भारतीय जनता पार्टी जहां हम 43 साल में 21वें अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं वो तो एक पॉकेट की पार्टी है। और रामचंद्र बाबू यहां बैठे हैं ये तो ज्यादा जानते हैं नीतीश कुमार जी को, लेकिन मैं लंबे समय से नीतीश कुमार जी की राजनीति को देखते रहा हूं और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग सभी लोग भाजपा के लोग हो या मैं स्वयं जेल भी गया, लेकिन नीतीश बाबू आप बदल चुके हैं, अब आपकी स्थिति भी नहीं है कि आप बिहार संभाल सकते हैं। इसलिए अब बिहार में 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए जितना वोट था जो 56 से 60% तक जो वोट हमको 2019 के चुनाव में मिला था वो पूर्ण रूप से 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से हमको मिलेगा और 40 की 40 सीट हम फिर जीतकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देने का काम करेंगे। और आज ये लोग बड़ा चर्चा करते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही कहा था गांधी मैदान की सभा में कि नीतीश कुमार जी का जो हथेली के अंदर एक दांत है अब तो डॉक्टर भी हम लोगों के पास आ गए हैं, आरसीपी बाबू, अब हम लोग इसका इलाज करेंगे। और जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना है उस सपने को भी पूरा भारतीय जनता पार्टी करेगी। और नीतीश कुमार जी को 2024 में भी जिस तरह उनको बीच बीच में कीड़ा काटता है प्रधानमंत्री बनने का, 2013 में एक बार कीड़ा काटा था तो पिछले बार तो आरसीपी बाबू थे तो 2 सीट आ गया था गलती से, अभी तो आरसीपी बाबू भी भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं, 2024 में नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलने वाला। आजकल ये लोग नोटिस भेज रहे हैं। अरे मैंने तो नीतीश बाबू को कहा नीतीश बाबू आज भी लीगल नोटिस भेजे मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं बिहार में, पूरी तरह आपको लिस्ट जारी करूंगा बिहार में कितनों को धोखा दिया वो तो सुशील जी ने आपको बताया, कितने जगह जनता दल यूनाइटेड के लोग शराब माफिया से जुड़े हैं वो भी लिस्ट हम जारी करेंगे, एकदम बेफिक्र रहिए। कहां कहां शराब बेचने में लोग पकड़ा रहे हैं वो भी लिस्ट आपको उपलब्ध कराया जाए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है, भारतीय जनता पार्टी को रामचंद्र बाबू का समर्थन मिला है, उनकी पूरी टीम का हम स्वागत करते हुए।